नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स टाइम विद जूली। और अभी हम लोग जा रहे हैं पुणे बीच और हम लोग को देखना है सनराइज। और शायद अभी 6:30 हो रहा है, सनराइज तो हो चुका है, पर अभी हम लोग पुणे बीच जाएंगे और घूमेंगे। अभी तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे होटल के बाहर और मिलेंगे एक सैंड आर्टिस्ट से, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं पुणे बीच। आज चलिए दिखाते हैं मॉर्निंग का व्यू, पुरी बीच में कैसा है मॉर्निंग का व्यू। घूमते हैं पुरी बीच, हमारे लिए आ गई है। कुछ दूर चल के मैं पहुंच गई गोल्डन बीच पे। सनराइज तो हो चुकी है, आप लोग जैसे देख रहे हो यहाँ पे। और ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में आ करके। तो यहाँ पे मॉर्निंग से ही लोग आने लगते हैं और अभी से ही नहाना शुरू, जैसे कि आप देख रहे हो भगवान भी नहा रहे हैं। गोल्डन बीच और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उसके बाद भी ये बीच पूरी नीट एंड क्लीन है। तो और आप जैसे सामने देख रहे हो जो सी की पानी है वो भी बहुत ही क्लीन है, कभी आपको रिफ्लेक्ट करेगी लाइट ग्रीन, कभी लाइट ब्लू। मुझे तो यहाँ आकर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दिस प्लेस इज़ बेस्ट फॉर वेकेशन, कहीं जाओ या ना जाओ पूरी एक बार ज़रूर आओ। यहाँ पे फोटोग्राफर भी रहते हैं जो पिक इंस्टेंट क्लिक करके देते हैं। और यहाँ पे कैमल राइड, हॉर्स राइड भी है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ पुणे बीच पे और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको एक सैंड आर्टिस्ट से मिलवाऊंगी, तो सैंड आर्टिस्ट पुणे पे है। जो आप कभी भी आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सैंड का आर्ट किया जाता है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से। और वो कोई कोई थीम पे बना रहता है, कभी गौतम बुद्ध, कभी महादेव। तो आज हम वैसे ही आर्टिस्ट से एक मिलवाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि उड़ीसा में बहुत ही फेमस एक सैंड आर्टिस्ट है, उनका नाम है सुदर्शन पटनायक, जो हर थीम पे कुछ ना कुछ होता है ओकेजन, उस पर जरूर बनाते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे भी सैंड आर्टिस्ट आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पे भी पूरी बीच पे भी बनाते हैं। तो आज हम आए हैं और उनसे मिलवाते हैं। चलिए, तो हम लोग आ गए पूरी बीच पे और आज हम मिलवाएंगे जो उन्होंने ये बनाया है और ये बहुत खूबसूरत सैंड आर्ट है। तो आज हम मिलवाने वाले जिसको ये बनाए हैं, सौम्य रंजन जैन। जय जगन्नाथ। आज हम लोग उसी के नगरी में आए हुए हैं, तो आज ये बताएंगे कितने साल से ये सैंड आर्ट करते हैं। ये मेरा 5-6 साल हो गया है, अभी पढ़ाई वगैरह चल रही है, जब टाइम मिलती है इधर आके सैंड आर्ट में बनाता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाता है और सैंड आर्ट का इधर फेस्टिवल वगैरह भी होता है सब कुछ। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही बारीकी से, और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप कभी भी पुणे बीच पे आए तो इन लोगों को हेल्प करें, कुछ भी ये देखने के बाद इनको जरूर हेल्प करें और ये आपको दिख जाएंगे। इधर बनाने के लिए 2 बजे से इधर आते हैं हम बनाने के लिए, सुबह भी आते हैं और 2 बजे आते हैं और 3-4 घंटा लगता है ये बनाने। बाहर में सब टूरिस्ट लोग भी आते हैं, आर्ट को देखते हैं, खुशी हो के खुशी से भी हेल्प करते हैं आर्टिस्ट को सब। मैं तो इनकी फ़ैन हो गई, अगर मैं यहाँ पे रहती तो मैं इनसे ज़रूर सीख लेती। और जो भी यहाँ पे आए प्लीज़ उनका हेल्प करें, क्योंकि आप जब भी पूरी आएंगे ये तो हैं ही यहाँ पे और आगे भी बहुत साल तक बनाएंगे ही, तो ये इनको भी प्लीज़ हेल्प करें। और ये आपको अब दिख जाएंगे अगर आप ब्लॉग देखेंगे, और आप कभी पूरी आएंगे या पूरी आए हैं ये आपको जरूर मिलेंगे। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर बटन को भी दबाइए। थैंक यू सो मच।
तो मुझे इस आर्टिस्ट से मिलके बहुत अच्छा लगा, और ये सारे पिक जो आप देख रहे हो ये इसी आर्टिस्ट ने बनाया था, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आएँ तो इनके आर्ट को अप्रिसिएट कीजिए कि ये और अच्छा बना सके। आप यहाँ पे सी की कलर देख सकते हो, कितनी अच्छी और क्लीन दिख रही हो, एकदम लाइट ब्लू टाइप की, जैसे स्काई ब्लू रिफ्लेक्ट कर रही हो, और उसके बाद पानी भी पूरी क्लीन है। यहाँ पे सबकी नहाना और मस्ती शुरू है। अब हम लोग को जाना होगा, क्योंकि हम लोग को जाना है आज जगन्नाथ मंदिर। तो हम लोग बीच से आ गए हैं, अब हम लोग चलते हैं जगन्नाथ मंदिर। और ये रास्ता है जगन्नाथ मंदिर जाने का, और ये आप देख रहे हो कितनी पतली सी गली है, और इस गली में भी बहुत सारे मंदिर थे, और यहाँ पे पूजा के सामान बिक रही थी, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दूँ कि जगन्नाथ मंदिर जाने का रास्ता कैसा है। और यहाँ का प्रसाद होता है खाजा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हर जगह आपको खाजा मिलेंगे, क्योंकि जगन्नाथपुरी का फेमस प्रसाद है खाजा। और ये रहा सामने में मंदिर। इसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन यहीं जमा हो गया था, और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। सो व्यूअर्स, हम लोग आ गए हैं मंदिर से। मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए फ़ोन पहले ही जमा हो जाता है, तो हम आपको मंदिर का ब्लॉग नहीं दिखा पाए। और अभी भी हम लोग दर्शन करके आए हैं, मंदिर फिर 8 बजे बंद हो जाती है, फिर के भगवान के खाने का टाइम होता है, तो हम लोग ने दर्शन कर लिया। दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ है, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा जगन्नाथ मंदिर आकर के। चलते हैं चिल्का लेक, उसके बाद देखिए कोणार्क भी जाना है, तो अभी चलेंगे वहाँ पे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जितना हो सकेगा। मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू आपको पूरी घुमाऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय जगन्नाथ।